नए कैबिनेट विस्तार हुआ और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो पूर्व कमिश्नर और बागपत सांसद हैं उनको जगह मिली, क्या कुछ दायित्व रहेगा, कैसे देखते हैं इस कैबिनेट विस्तार को? सर कैसे देखते हैं कि काफ़ी लंबा इंतजार, संघर्ष भी चला, लोगों ने डिमांड भी रखी जनता ने? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे बागपत की तरफ से ये मेरा सम्मान नहीं, बागपत के लोगों का सम्मान है, लाखों पुलिस अधिकारियों का सम्मान है, करोड़ों किसानों का सम्मान है, और इसलिए उनकी अपेक्षा पूरी हो, जिस अपेक्षा के साथ जो है उन्होंने मुझे चुना था, और मेरा पूरा विश्वास है और उन सब की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का सब की तरफ से बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सर जिम्मेदारी की बात की जाए, क्या कुछ पोर्टफोलियो रहेगा, क्योंकि एक किसान बेल्ट है आपके क्षेत्र में बहुत बड़ी, और इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, जो भी आपको सबको सामने आ जाएगा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे ईमानदारी के साथ और तत्परता के साथ काम करेंगे। कड़ी चुनौती है, 2019 का चुनाव है लोकसभा का, क्योंकि जो स्थिति है और जो मंत्रालय छठे भी हैं उनसे बहुत खुश नहीं रहे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग तो चुनौती भरा काम करने के लिए आदि हैं, पुलिस में भी चुनौती रोज चुनौतियों से खेलते थे, अभी भी जो चुनौती जो चैलेंज सामने आएंगे निश्चित रूप से न केवल उनका जो है उनको हम झेलेंगे, उनका समाधान ढूंढेंगे और इस देश की सेवा करने का व्रत लेंगे। आतंकवाद की बात की जाए, आतंकवाद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपका, क्योंकि आप मुंबई भी रहे हैं तो ATS को भी कंट्रोल करते रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, क्या अब स्थिति रहेगी आतंकवाद के? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सेंटर में केंद्र में आई है, आपको सबको मालूम है कि आतंकवाद कितना कम हो गया, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात छोड़ दें, निश्चित रूप से हमारी पार्टी कटिबद्ध है कि हम आतंकवाद का जो है उसका निर्मूलन जो है 2022 तक करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि अगर बात की जाए आतंकवाद से तमाम उन बातों को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो अगर बात की जाए तो सरकार जो है अपने काम कर रही है और 2019 की तैयारी के साथ साथ 2022 का भी चुनाव वो जीतेंगे। कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ रामानुज भट्ट, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली।